इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फोर्थ क्लास बेटा, हमारा कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर जो है उसकी रीडिंग और बुक वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जुलाई पैक के जो नोट्स हैं उनके रिव्यू पर चलते हैं। इनका रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। चलें बेटा उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है, इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर आंसर्स दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम्स ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके नेम लिखने हैं। इसका आंसर है द कंप्यूटर हैज 3 बेसिक फंक्शंस। कंप्यूटर के 3 बेसिक फंक्शंस हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इनपुट। कि इनपुट क्या होता है, इसका आंसर देखिए, इनपुट इज ओनली डेटा दैट वी फीड इनटू द कंप्यूटर। इनपुट जो होता है वो हमारा डेटा होता है जो हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं या एंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेंट बाय आउटपुट। कि आउटपुट का क्या मतलब होता है। पहले हमने इनपुट पे बात की, अब हम आउटपुट का क्वेश्चन जो है उसका आंसर पढ़ते हैं। आउटपुट इज अ प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है बेटा, आपने आउटपुट में प्रोसेसिंग का वर्ड यूज नहीं करना, प्रोसेस्ड करना है। प्रोसेस्ड का मतलब होता है अमल किया हुआ, जिस पे एक अमल हो चुका होता है, अमल में से वो गुजर गया होता है। प्रोसेस डेटा दैट वी सी ऑन द मॉनिटर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज प्रोसेसिंग। अब आ गया है आपके पास प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जिस पे अमल जारी हो या अमल हो रहा हो। इसका आंसर देखते हैं, व्हेन द कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस। कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आंसर इसका देखते हैं, द पार्ट through which we enter data into the computer are called input devices। के मतलब वो parts या वो devices computer के हिस्से जिनके जरिए हम computer के अंदर data enter करते हैं वो हमारी input devices कहलाती हैं। ये बेटा आपके question answers से chapter number 3 के, आपने इनको अच्छे तरीके से read out करना है। Okay, अल्लाह हाफिज़।